नमस्कार, मैं डॉक्टर मिसेस अर्चना नीलकंठ बेलवी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट पुणे। आज जानते हैं नॉर्मल डिलीवरी के समय पर पेशेंट को स्टिचेस क्यों आते हैं। सिजेरियन जब भी पेशेंट का होता है तो सब पेशेंट को पता रहता है कि उसको स्टिचेस आने वाले हैं, स्टिच पड़ने वाले हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी के समय भी स्टिचेस लगते हैं, ये पता नहीं होता। तो आज विस्तृत से जानेंगे ये नॉर्मल डिलीवरी के टाइम लगने वाले स्टिचेस के बारे में। जब ही लेबर रूम में पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी चलती रहती है तो गर्भपिशवी का मुंह पूरा खुलने के बाद बेबी डिलीवर होने लगता है तो डॉक्टर आपके वजाइना पर यानी कि प्राइवेट पार्ट पर छोटा कट देते हैं। ये कट को मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग एपिजियोटॉमी कहते हैं। ये कट की वजह से आपके वजाइना की स्पेस बढ़ती है और बेबी की डिलीवरी इजीली होने में मदद होती है। ये नॉर्मल डिलीवरी के समय दिया जाने वाला ये कट आपके पेरिनियम को यानी कि प्राइवेट पार्ट को प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोटेक्शन कैसे? तो ये जब भी हम डॉक्टर ये प्लान्ड कट यानी एपिजियोटॉमी देते हैं, इसकी वजह से आपका पेरिनियम इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कटने से बचता है। ये प्लान्ड कट यानी एपिजियोटॉमी की वजह से बड़े बड़े टीयर्स या कट्स आपके प्राइवेट पार्ट पे या पेरिनियम पे नहीं आते। आपकी डिलीवरी पूरी होने के बाद यानी कि आपका प्लासेंटा बाहर आने के बाद ये जो कट दिया हुआ रहता है इसे हम स्टिच करते हैं यानी कि सिलते हैं। ये जो सिलते हैं उसकी वजह से आपको नॉर्मल डिलीवरी के टाइम भी स्टिचेस लगते हैं। यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी के टाइम आपको 3 से 4 स्टिचेस आपके प्राइवेट पार्ट पे लगते हैं और ये स्टिचेस जो रहते हैं उसमें हम जो धागा यानी कि थ्रेड यूज़ करते हैं ये अपने आप पिघल जाने वाला यानी कि डिजॉल्वेबल थ्रेड रहता है। 2 से 3 हफ्तों के बाद ये धागा अपने आप पिघल जाता है। जब भी हम डिलीवरी के बाद आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं तो ये स्टिचेस भी हम चेक करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये स्टिचेस का ख्याल रखना ज़रूरी है। स्टिचेस का ख्याल रखने के लिए जब भी आप वॉशरूम जाते हो तो ये स्टिचेस आपको अच्छे से पानी से धो के साफ रखने हैं। आपको ये स्टिचेस पे प्रिस्क्राइब किया गया क्रीम दिन में 2 से 3 बार लगाना है। आपको इन स्टिचेस को सेकना भी ज़रूरी है। सेकना यानी कि सीड्स बाथ। सीड्स बाथ में आपको गर्म पानी के टब में 1 से 2 ढक्कन सेवलॉन डालना है और वो टब में सुबह शाम 15-15 मिनट बैठना है। ऐसा करने से आपके स्टिचेस को अच्छा सेक मिलता है। ये स्टिचेस में डिलीवरी के बाद पेन भी होता है तो पेन से बचने के लिए हम आपको ज़रूरी पेन किलर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के समय पे कट देना यानी कि एपिजियोटॉमी देना और वो स्टिच करना जिसके वजह से आपके प्राइवेट पार्ट पे स्टिचेस आना ये आम बात है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये आपके पेरिनियम के यानी कि प्राइवेट पार्ट के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। अगर इस विषय के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।